सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं उज्जवल वर्सेस भाई बाकी जो क्रिएटर्स हैं उनकी आर्म रेसलिंग के बारे में। कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर मैंने आपसे भी दिखाया था कि भाई उज्जवल भाई ने फ्लीट भाई और अपने मिथपट भाई को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया। मैंने बताया था कि गाइस राउंड 2 इतना इजी नहीं होने वाला है क्योंकि उसके अंदर जो बीजेएमए का टॉप का क्रिएटर आम से काफी लोगों ने पहचान भी लिया था। मैं किसकी बात कर रहा था, मैं गाइस बात कर रहा था भाई जोनाथन भाई की। और गाइस उसके साथ गाइस अपने क्लच गॉड भाई माइनक्राफ्ट के क्लच गॉड भाई यानी कि भाई अपने यस मल्टीपाई भाई ने भी उज्जवल भाई के साथ पंजा लड़ाया था भाई बीजेएमए वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो पहले गाइस कर लो यार आपको क्या लगता है भाई कौन जीता होगा उज्जवल भाई से आर्म रेसलिंग के फाइट के अंदर, भाई जल्दी से नीचे कमेंट कर देना। और हाँ भाई उज्जवल भाई ने अपने थोड़े वो डोले शोले भी दिखाए थे पहले जोनाथन भाई को, क्योंकि भाई डराना थोड़ा जरूरी है भाई, खौफ पैदा हो जाना चाहिए बंदे के शरीर में। भाई चलो भाई दोनों के हाथ पता चलो कैमरा उठाने लायक नहीं है, उड़ जाओ जाओ। चलो भाई दिल्ली मुंबई होने वाला है यहाँ पे, दिल्ली वर्सेस मुंबई। अरे भाई हो रहा है भाई ये इसके बाद हाथ नहीं जाता नीचे को भाई, ये अटका रहेगा भाई, लेकिन हाथ पे जोर आएगा, हाथ टूटने का रहता है, मत करो ऐसा भाई। हम लोग अभी पंजा लड़ा के आ रहे हैं उज्जवल भाई से, भाई मेरे तो हाथ में दर्द हो गई भाई। मैं रेफरी था मैंने देखा भाई, ये आपके साथ कॉल करी है मैंने भाई। यार मुझे बताओ यार क्या खा रहे हो आजकल, यार क्या हो रहा है ये? इसके पीछे का राज बता दो। हाँ बताओ ना भाई, इसके पीछे का राज है दिल्ली का पोल्यूशन। ये मजबूर है पर आप नहीं, ये क्या बात हुई भाई? ये भी उसका यार, मुंबई में रहते हैं वहाँ भी क्लीन के पहाड़ों में क्लीन, जितना उतना बेकार है ना। अच्छा पोल्यूशन में रहो भाई। अच्छा और क्या होता क्या है? उज्जवल भाई ने रीजन बताया भाई अपनी एनर्जी का, वो तो भाई हमें क्या ही बताऊं भाई, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कहीं पे भाई। तुम मोटरसाइकिल के साइलेंसर के अंदर अपना नाक घुसा के बैठ दो, ऐसा कभी मत करना भाई, ये बहुत हानिकारक।